ब्राह्मण समाज ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि आर्थिक रूप से कमजोर ब्राह्मण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, साथ ही ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को भी आसान किया जाए। परशुराम ग्रुप के अध्यक्ष शैलेन्द्र पुरोहित ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आपकी योजनाओं के जरिए STSC और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों को कई प्रकार की सहायता दी जा रही है, किंतु इन सभी योजनाओं से गरीब ब्राह्मण विद्यार्थी लगातार वंचित हो रहे हैं। अपनी अपेक्षा और आर्थिक कमजोरी के कारण ऐसे बच्चे अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखने में असमर्थ हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास गरीब ब्राह्मणों की उपेक्षा के कारण पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। अतः हम मांग करते हैं कि गरीब ब्राह्मण विद्यार्थियों को बाकियों के समान ही योजनाओं का लाभ मिले और EWS प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया जाए। प्रदेश के तत्वाधार में विगत 15 मई से यह आंदोलन शुरू किया गया। विकास अवस्थी जी के नेतृत्व में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए, जैसे सरकार ने अन्य वर्ग जैसे STSC वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है, उसी के समान कक्ष हमारे गरीब ब्राह्मण बच्चों को भी छात्रवृत्ति दी जाए, इसी एक हमारी मांग है। दूसरी एक EWS की प्रक्रिया काफ़ी कठिन है, उसको सरल किया जाके और उसकी वैधता सरकार ने एक वर्ष कर रखी है प्रमाण पत्र, उस वैधता को हम 3 वर्ष के मांग करते हैं। इसकी हमें सरकार से ये मांग की गई है, ये मांग अगर पूरी नहीं की जाती तो सरकार हमारे पूरे मध्य प्रदेश में इसको उग्र आंदोलन के रूप में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सर्व ब्राह्मण समाज पूरा मध्य प्रदेश के आंदोलन करेंगे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में।